Hey guys, welcome back to my channel. गला खराब. Okay. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So सबसे पहले रमजान करीम आप सब लोगों को. भगवान करे आप लोगों की लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियाँ आए. भगवान आपकी सारी डिजायर्स फुलफिल करें और इस सिचुएशन से, ये महामारी की सिचुएशन से हम सब लोग जल्दी निकल पाए. आई नो इंडिया में हालत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है. डेली अपडेट्स चेक करती रहती हूँ अपने फ़ोन पर और जब मैं देखती हूँ कि इंडिया में इतनी ज़्यादा बुरी हालत है तो मुझे तो रोना आता है सीरियसली. बट गाइस, आप एक चीज़ कर सकते हो कि घर पे रहिए और बाहर बिल्कुल भी मत जाइए. आई नो इट्स बीन अ ईयर, मोर देन अ ईयर एक्चुअली, कि हम सब लोग घर पर हैं, ज़्यादा हम यू नो बाहर नहीं जा पा रहे हैं. बट उन लोगों का सोचो जो इस सिचुएशन में अभी डील कर रहे हैं, लाइक लोगों को देखकर, लाइक दे आर लूजिंग देयर लव्ड वंस अपनी आंखों के सामने. इट इज़ सो डिसहार्टिंग, मैं बता नहीं सकती. तो इसीलिए गाइस, प्लीज स्टे होम, घर पे रहिए. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ भी सेव करेंगे और दूसरों की भी लाइफ सेव करेंगे. तो चलिए, जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो महीना है, ये रमजान का महीना है, बहुत ही ज़्यादा प्योर महीना है ये. और इस महीने में जैसे कि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो लोग रोज़ा रखते हैं और ईद आने वाली है बहुत ही जल्द. इन लुक्स को मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रखने वाली हूँ, क्योंकि हमें भी पता है कि इस सिचुएशन में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम घर पर ही मनाएं ईद. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू डू देन प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे बताएं, कमेंट करें, उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं. एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड क्लिक ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन फॉर फर्दर अपडेट्स. एंड नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट लुक के लिए गाइस, मैंने ये कुर्ता लिया है. ये कुर्ता है खादी ब्रांड का. ये धोती पैंट्स जो है ये भी खादी ब्रांड की हैं. इस कुर्ते के साइड पे स्ट्रिंग्स है जिससे मैं अपनी वेस्ट को एक्सेंचुएट कर सकती हूँ. और फिर मैंने इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स पहने हैं जो है ब्लू कलर में. और ये पूरा आउटफिट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही प्लेन है, बट वेरी समर अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये कॉटन मटीरियल है. बोथ कुर्ता एंड पैंट्स आर इन कॉटन मटीरियल. इस कुर्ते के आगे एक सुंदर सा छोटा स्लिट है. मुझे ये पूरा सूट बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है. ब्लू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर है. और इसके साथ मैंने जुत्तीज़ वेयर की हैं और एक वाइट कलर का स्लिंग बैग कैरी किया है. नाउ दिस सेकेंड कुर्ता इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि अभी मेरा कोई जानने वाला पाकिस्तान गया था और वो मेरे लिए दो कुर्ताज़ लेके आए हैं. इनमें से एक ये वाला है और ये बहुत ही सुंदर कॉटन मटेरियल में कुर्ता है. पूरा एक सूट सेट है विद दुपट्टा. दुपट्टा बहुत ही प्लेन है, इसीलिए मैंने एक अपने दूसरे सूट का दुपट्टा इसके साथ कैरी किया है. मुझे ये पूरा आउटफिट बहुत अच्छा लगा और इसकी फ़िटिंग बहुत ज़बरदस्त है. ना ही ज़्यादा टाइट है, ना ही ज़्यादा लूज़ है, क्योंकि ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े हों तो आप समर में डाल नहीं सकते हो, राइट. इस कुर्ते के साथ की जो पैंट्स हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं पहनने में. और इस कुर्ते के ऊपर जो वर्क हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा वर्क है. ना ही ज़्यादा हैवी है, ना ही ज़्यादा लाइट है. और थ्रेड वर्क है इसका, बॉटम जो है थ्रेड वर्क में इसका काम है. मुझे ये पूरा सूट सेट बहुत 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 सिंपल और बहुत एलिगेंट लगा. नेक्स्ट कुर्ता जो है ये भी पाकिस्तान से है. इस सूट के ऊपर इतना सुंदर मिरर वर्क का काम हुआ है, आप खुद से देख सकते हैं. ना ही ज़्यादा हैवी है, ना ही लाइट है, बहुत ज़्यादा प्यारा काम है. और इसके साथ जो पैंट्स आई थी वो मैंने नहीं पहनी, मैंने अपनी धोती पैंट्स पहनी हैं जो कि मैंने ब्लू कुर्ते के साथ पहनी थी. और जो दुपट्टा मैंने कैरी किया है इस सूट के साथ वो भी मेरे दूसरे सूट का दुपट्टा है. मैं आपको दिखाऊँगी एक और सलवार मैंने इसके साथ स्टाइल की है. पूरा आउटफिट मुझे बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत प्यारा और ईद के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है ये. और इसके साथ एक सुंदर सी झुमकीज़ पहनी है, बन किया है सो दैट कि ज़्यादा गर्मी ना लगे. तो दूसरी सलवार की बात करते हैं. पहली सलवार वाइट थी, दूसरी सलवार मैंने इसी सेम सूट की पहनी है जिसका ये दुपट्टा है. ट्यूलिप पैंट्स है, धोती पैंट्स है ये. इसके पर बहुत सुंदर सा एक वर्क किया गया है, पर्ल का वर्क किया गया है. मुझे ये दोनों लुक्स बहुत अच्छे लगे. पर आपको कौन सी वाली सलवार अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना, वाइट या पिंक. कुछ तो बात होती है इन पाकिस्तानी सूट्स में, बहुत ही स्टाइलिश होते हैं एंड वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. सो मैं तो बहुत सारे पाकिस्तानी सूट्स लेने वाली हूँ दिस सीज़न.
एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा, मैं इन कुर्तीज़ के ऑल्टरनेटिव्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सेम कुर्ता स्टाइल्स तो नहीं शेयर कर सकती, बट मैं कॉटन स्टाइल्स में ऑल्टरनेटिव्स ज़रूर शेयर करूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट कुर्ता जो है ये मैंने लिया था धर्मशाला से, मैक्लोडगंज से लिया था। ये चिकनकारी कुर्ता है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, प्योर में तो नहीं है ये चिकनकारी, और येलो कलर बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल्स के लिए। और इसके साथ मैंने एक पॉप ऑफ कलर ऐड किया है जो कि है नेक पीस, और एक सुंदर से इयररिंग्स पहने हैं मैंने। इस कुर्ते को स्टाइल किया है विद जीन्स, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कुर्ताज़ जब मैं इनको जीन्स के साथ स्टाइल करती हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिशनल भी लगते हैं एंड वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर। तो इस इस कुर्ते के साथ पहले मैंने सोचा कि मैं दुपट्टा कैरी करके देखती हूँ, तो मुझे दुपट्टा इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको एज इट ही यू नो स्टाइल किया है। नेक्स्ट जो वे है मैं इसको स्टाइल करूँगी विद प्लाजो पैंट्स। यस, अब इसके ऊपर जितना आप वर्क देखेंगे वाइट कलर का वर्क है, तो मैंने एक क्रीम कलर के प्लाजोज इसके साथ स्टाइल किए हैं जो कि मेरे डिफरेंट सूट के प्लाजोज हैं। तो ये भी आप ऐसे कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो अपने आउटफिट्स के साथ। और इसके अंदर मैंने एक क्रॉप टॉप पहना है, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर कुर्ता है तो मैं नहीं चाहती कि यू नो कुछ विजिबल हो, तो मैंने क्रॉप टॉप पहना है येलो कलर में। अगर आपको इलॉन्गेटेड इफेक्ट चाहिए, लंबा दिखना है, तो आप हमेशा क्रॉप्ड पैंट्स ही पहने जो कि आपके एंकल से 1 से 2 इंच ऊपर हो। लास्ट लुक के लिए मैंने ये वाइट कुर्ता पहना है। ये बटन डाउन कुर्ता है और ये मैंने बीबा से लिया था, पूरा कुर्ता सेट है। इसके साथ मैंने स्टाइल की है जीन्स, अगेन सेम जीन्स मैंने स्टाइल की है, और अंदर मैंने डाला है क्रॉप टॉप जो कि है येलो कलर में। और इसके साथ मैंने सुंदर से हैवी इयररिंग्स पहने हैं जो कि हैं ऑक्सीडाइज, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वाइट के साथ ऑक्सीडाइज इयररिंग्स पहनना। इस कुर्ते के अंदर बहुत ही सुंदर एक स्लिट है, तो आप इसको खुला भी रख सकते हो और आप इसको बंद भी रख सकते हो। अगेन द लुक इज़ वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक, और ये कुर्ता बहुत ही फ्लोई है, और ऐसा कुर्ता तो मस्ट हैव है, इट्स अ एसेंशियल पीस इन योर वार्डरोब, क्योंकि आप ऐसे कुर्ताज बहुत सारे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स शेयर किए हैं, तो आप अपने लाइकिंग्स के अकॉर्डिंगली स्टाइल कर सकते हो अपने आउटफिट्स। अगर आपको जीन पहननी है गो फॉर जीन्स, अगर आपको प्रॉपर सूट पहनना है तो आप सूट भी पहन सकते हैं। video guys, I hope you found this video useful. Aapki kaun si favorite look hai, do let me know down below. If you recreate any of my looks guys, please tag me on my Instagram. My Instagram handle is @monica_manhas, beauty monica ke naam pe hai, okay? I will leave my Instagram handle on the screen as well as in my description box. Description box kahan hota hai? Video ka jo title hota hai us pe aap click kijiye, aapko sari details meri mil jayegi. To chaliye, अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, स्टे इंडोर्स, एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय।